एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बोलते हैं शीम पातुरी। मैं इसको बंगाली स्टाइल में बना के दिखाऊंगी। ये सीम से बनेगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। सीम पातुरी बनाने के लिए इधर मैं कुछ सीम ली हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा चॉप कर ली हूँ। अभी इसके साथ लगेगा 1 चम्मच पोस्ता दाना, जिसको खसखस बोलते हैं, और इसके साथ थोड़ा सा सरसों लगेगा। और जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं बनाने के टाइम में बोलते जाऊंगी। तो अभी देखिए, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगेगा, और ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है, और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है सरसों के तेल में बनाएंगे तो। अभी ये ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर सीम ऐड कर दूंगी, जो पहले से कट करके रखी थी। और सीम को थोड़ा सा सॉफ्ट करके फ्राई करना है। अभी देखिए, ये सीम को ऐड कर रही हूँ। अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा चलाना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड करूंगी। स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने से सीम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हल्दी डालना है इसके अंदर। आप लोग जितना क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से सीम लीजिएगा। मैं इधर दोनों के लिए बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इतना ले लिए हूँ। अभी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। पहले से जो सरसों दाना और पोस्ता दाना रखी थी, इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है मिक्सी में डालकर। और थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। अभी देखिए, सीम थोड़ा फ्राई हो गया। अभी एक दूसरे पतीले में मैं थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दी हूँ। एक टिफिन बॉक्स ले ली हूँ स्टील के, इसके अंदर मैं ये सीम पातुरी बनाने वाली हूँ। 2 हरी मिर्च ले ली हूँ मैंने। अभी क्या है, ये पहले से जो बोल रही थी कि पेस्ट बनाना है, वो पेस्ट बन चुका है। अभी ये टिफिन बॉक्स के अंदर ये पेस्ट को डाल देना है और एक फाइन पेस्ट बनानी है इसकी। अभी थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, पहले से भी सीम फ्राई करने के टाइम में ऐड की थी, तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालिएगा इसमें। अभी सीम ऐड कर देना है, फ्राइड सीम को। फिर थोड़ा सा चला देना है। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। देखिए, अच्छे से मिला दी हूँ मैंने सरसों और पोस्ता दाना के पेस्ट के साथ। अभी ऊपर में 1-2 जो हरी मिर्ची रखी थी उसको ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा आप स्लिट करके भी डाल सकते हो तो स्मेल अच्छा आएगा। और ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी, इससे स्मेल बहुत अच्छा आएगा। अभी ये टिफिन बॉक्स का ढक्कन लगाकर पतीले में जो पानी उबल रहा था उसके अंदर इसको रखना है और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। देखिए, पतीले के अंदर मैं ये टिफिन बॉक्स को अभी रख दूंगी। बहुत ही केयरफुली डालिएगा, बहुत ही गर्म है पानी। अभी इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ढककर। इस टाइम में गैस के फ्लेम को एकदम सिम कर देना है, तो मैं 10 मिनट के बाद लौट रही हूँ। देखिए, 10 मिनट के बाद मैं टिफिन बॉक्स के अंदर से एक बॉल में इसको निकल दी हूँ, और ये थोड़ा सा ऐसे दिखने में है। प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करके बताइएगा, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कैसा लगा है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होती हूँ नया नया वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों के पास भी नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए।